स्वागत है दोस्तों आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है राष्ट्रपति भवन का। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन। तो आज हम लोग जाएंगे इसके अंदर जो कि मेन बिल्डिंग है, तो वहाँ का हमने स्लॉट बुक किया हुआ है जो कि आजकल अवेलेबल है, आप लोग भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए हम लोग मेन गेट से नहीं जा सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गेट नंबर 37 जो कि आगे जाके इसके साइड में है। तो वहाँ जाने के लिए हमें कोई ऑटो वगैरह करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ मेट्रो से, तो इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन वो केंद्रीय सचिवालय पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले साल एक बार अमृत उद्यान का ब्लॉग बनाया हुआ था, अमृत उद्यान जिस तरह से आप लोग जा सकते थे जो मुगल गार्डन हुआ करता था, उसी तरह से आप मेन बिल्डिंग और एक म्यूजियम खोला गया है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, जो पब्लिक के लिए खोला गया है। तो चलिए दोस्तों हमने ऑटो कर लिया है, तो ऑटो से यहाँ से चलेंगे हम सीधे गेट नंबर 37 में, फिर वापस में मतलब जो वहाँ घूमेंगे उसके बाद गेट नंबर 30 में भी जाएंगे जो म्यूजियम वाले में। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से मतलब घूम के आए बैक साइड में है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-7 मिनट। चलिए चलते हैं। तो गाइज एंट्री कर ली हमने अंदर। तो अंदर आते हमसे आईडी प्रूफ मांगा, नाम वगैरह पूछा, और तो उनके पास पहले से डिटेल थी तो उनके उसमें खुद ही आ गया। तो उन्होंने आईडी प्रूफ वगैरह चेक की, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए या तो फ़ोन में या तो आप फोटोकॉपी वगैरह ला सकते हो। तो जैसे अंदर को आए यहाँ पे एक छोटा सा पहले तो गार्डन है जो कि सुगंध गार्डन है। ठीक है हम लोग अंदर, तो अब ये सीढ़ियाँ हमने पार करनी है और उसके बाद सब हम सीधे पहुँच जाएंगे मेन बिल्डिंग के पास। हमारी जो चेकिंग हुई 3 जगह हुई, उसके बाद जाके हम अब पहुँच रहे हैं सीधे। अभी भी पता नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन 3 जगह हुई। वो भाई यहाँ से तो रास्ता ही नहीं पता लग रहा, एक तो ज़्यादा लोग नहीं है तो ऐसे यही होगा। और ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए सामने, तो चलिए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं ये शायद वही जगह है जहाँ पे शपथ ग्रहण वगैरह भी होता है शायद, हाँ मुझे इतना कंफर्म भी नहीं है लेकिन लग हो रहा है। देख सकते हैं सामने मेन बिल्डिंग, और यहाँ आके देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। वैसे जो टिकट प्राइस में हमने टिकट उसमें देखा था, उसमें तो अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अंदर ना मोबाइल वगैरह कोई अलाउ नहीं है, सुबह आपको जमा करना पड़ेगा। आपकी टाइमिंग जब है यहाँ पे टाइम स्लॉट उसमें आके आप अंदर भी विजिट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे घूमते हैं फिर उसके बाद अंदर भी जाएंगे, लेकिन अंदर का हम दिखा नहीं सकते, लेकिन बाहर पे तक आप लोग फोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। तो जो कि टिकट में भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप यहाँ फोटो वगैरह खींचते हैं तो इंस्टाग्राम वगैरह में अगर पोस्ट करते हैं तो ज़रूर उसको टैग करें। ये भी खुद भी प्रमोशन कर रहे हैं इसका कि आप लोग आ सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेन बिल्डिंग कितनी शानदार लग रही है इतने पास से हमने देखा। इसको फोर कोर्ट कहा जाता है वैसे, यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हैं, और ये इसको कहते हैं जयपुर कॉलम कहते हैं। सामने देख सकते हैं जब आप लोग बाहर से आते हैं तो वहाँ पे गेट दिखाई देता है, तो यही है। और यहाँ पे नॉर्मल मिट्टी टाइप का ही है, ऐसा कुछ खास नहीं बनाया है नीचे, तो बाकी सामने देख सकते हैं आप लोग। और जो सामने वो छोटा सा बुल टाइप का दिखा दे, 3rd सेंचुरी का बुल माना जाता है इसे, मौर्य काल का जो यहाँ पर रखा गया है। तो देख सकते हैं इतना पुराना जब मिला गया था उनको तो यहाँ रखा गया है। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं इसमें। और वैसे तो इसको आज 100 साल पूरे होने वाले हैं बने हुए। ये देख सकते हैं जयपुर कॉलम, छोटा सा ऊपर लोटस, उसके ऊपर स्टार भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब अभी अंदर एंट्री की तो 3 जगह चेकिंग हुई दोस्तों। पहले जैसे मैं अंदर आया वहाँ पे नाम वगैरह पूछा, आईडी चेक की, फिर उसके बाद जब मैं अंदर एंट्री की उसके बाद फिर लास्ट में जब मैं मेन वाले पे आ रहा था उसके नीचे पे और चेकिंग हुई, नाम वगैरह पूछा, आईडी वगैरह, टाइमिंग वगैरह पूछा कौन सा स्लॉट है,
उसी टाइमिंग में आप लोग आ सकते हैं। तो सुबह जो मेन बिल्डिंग के लिए है, इसके लिए आप लोग पहले टिकट कर लेना, क्योंकि यहाँ ना मिलती नहीं है टिकट। अगर आप सोचोगे कि जिस दिन आए उसी दिन करते हैं तो ये ऑलरेडी भर चुका होता है, क्योंकि लिमिटेड सीटें मिलती हैं। यहाँ अभी देख सकते हैं आर्मी वालों से ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम भी कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं यहाँ पर और फिर स्टोरी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अंदर, अंदर भी देख के आते हैं। अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी सब कुछ मना है, तो फ़ोन वगैरह जमा हो जाएगा। देख सकते हो ये पूरा ना एकदम पूरा ग्रुप आया हुआ है, इतना बड़ा। मुझे लग रहा था ये जब अभी दूर दूर थे ना सब अलग अलग, लेकिन ये पूरा एक ही ग्रुप है और बहुत कम लोग हैं जो अलग अलग आए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ लोग हैं और आर्मी वाले खुद भी फ़ोटो खींच रहे हैं इसके पास में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तीन चार ले लेना, फिर इस तरह से लेना कि सबकी भी आ जाए और सस्ता भी दिखे। अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर दूँगा। ओके गाइस, इनके फ़ोटो खींचते हैं हम लोग, हमें दिया गया है तो चलिए। इन्होंने कहा कि दो चार खींच दो, चलो खींच देते हैं फिर अपनी खिंचवा लेंगे। A few moments later, अंदर से आ चुके हैं, तो ऐसे आए अभी तो अंदर, वैसे फ़ोन वगैरह जमा कर लिया था अंदर, वीडियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं है, सब मना है, तो फ़ोन वगैरह जमा कर लिया था। तो आ गए तो अंदर हमने तीन चीज़ें देखी, एक तो था ड्राइंग रूम जो कि बहुत ही शानदार था, और उसके बाद एक अशोक मंडप देखा, और एक देखी हमने लाइब्रेरी जहाँ बहुत सारी बुक्स वगैरह थी। तो अंदर से आ चुके हैं, तो ये चीज़ें थी, अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग गए थे जो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अंदर, और फिर इसके बैक साइड में थे बहुत बड़े बड़े रूम, तो वहाँ हमें ले गए थे। तो वहाँ की थोड़ा सा टाइम लगा ताकि हमारा नाम वगैरह चेक किया और आईडी प्रूफ वगैरह देखिए अंदर जाने के लिए भी, और फ़ोन वगैरह जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो चेक किए और वो जमा कर दी, और उसके बाद हमें अंदर भेजा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका स्लॉट जो 2 से 3 है या 3 से 4 है तो आपको फिर तुरंत निकाल देंगे। आप कितने देर तक रह सकते हैं, 5 बजे खुला रहता है, बस जब आप आओगे तब उसकी थोड़ी टाइमिंग है। और जाने के लिए भी अभी तक तो वैसे मुझसे कुछ किसी ने कहा नहीं 3 से ज़्यादा बजे है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको भेजेंगे, लेकिन फिर भी हम चलते हैं क्योंकि आप 3 से 4 हमने म्यूजियम में भी जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो ये था, देख सकते हैं, और इसके बैक साइड में भी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, तो अब म्यूजियम जाना है जो कि गेट नंबर है 30। तो पहले बाहर निकलते हैं, वहाँ से कोई ऑटो करते हैं। वैसे तो ये सब पास में ही है, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही, लेकिन ये है कि पता नहीं है, तो हम लोग रास्ता वगैरह देखा हुआ नहीं है और इतना चलेंगे कैसे, तो उस चक्कर में कोई हमें आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए ऑटो वगैरह करना ज़रूरी है। ओके गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं म्यूजियम के पास। तो सामने एक ये बिल्डिंग है, एक यहाँ पे है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, और एक इस साइड है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं जिस तरह का नज़ारा है। यहाँ पे सामने बिल्डिंग है और इधर भी है, तो चलते। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आते सबसे पहले हमें यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिखाई दिया है, विक्टोरियल कोच। तो यह है कार जो कि मर्सिडीज है, पूर्व राष्ट्रपति, 5 राष्ट्रपतियों ने इसमें सफ़र किया हुआ है, लेकिन उसके बाद 2012 में इसको चेंज कर दी गई थी गाड़ी को। तो यहाँ पे लिखा गया है 2012 में चेंज करी, 1990 से 2012 तक इसको यूज की गई थी, तो देख सकते हैं। तो चलिए आगे को चलते हैं और क्या है यहाँ खास देखते हैं। A few moments later, म्यूजियम से आ चुके हैं, और तो फिर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उद्योग भवन वाले में, क्योंकि वहाँ पर वो तो किया सीधे उद्योग भवन पे छोड़ा। यहाँ पे तो 3-4 लोग आ रहे थे म्ययूजियम से, तो हमें सही रेट में पड़ गया 20 रुपये में, तो आ चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं घर को, और तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग भी यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि राष्ट्रपति भवन विजिट की जो साइड है उसमें भी आप लोग टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। अभी अमृत उद्यान तो बंद हो चुका है, लेकिन आप मेन बिल्डिंग और म्यूजियम की कर सकते हैं, जो कि 50 रुपये आपको टिकट पड़ेगी, और आप लोग एक दिन पहले कर सकते हैं कहीं भी आना हो। म्यूजियम में तो वैसे आपको हाथों हाथ भी मिल सकते हैं, अभी मैं गया आप लोग अभी भी टिकट ले रहे थे, लेकिन ऑनलाइन ही करनी है, मतलब वहीं पर लोग टिकट कर रहे थे अभी,
क्योंकि स्कैन वगैरह करके, लेकिन मेन बिल्डिंग में जाने के लिए एक दिन पहले करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मिलती है नहीं। तो चलिए चलते हैं घर को और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।